हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, 9th लेक्चर सीरीज के लेक्चर 10 में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में मैं वाई और विम टेक्स्ट एडिटर के बारे में चर्चा करूंगी। जैसा कि मैं ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूं अबाउट टेक्स्ट एडिटर्स, तो टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट करने तथा मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम टेक्स्ट एडिटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ बेसिक एडिटर्स एंड सेकेंड इज एडवांस एडिटर्स। बेसिक एडिटर्स में जी एडिट तथा नैनो टेक्स्ट एडिटर आते हैं, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज हम वाई टेक्स्ट एडिटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो वाई एडिटर बेसिकली मोस्ट पॉपुलर एडिटर है लिनक्स एंड यूनिक्स सिस्टम्स में। इसका एडवांस्ड वर्जन जो होता है वो विम कहलाता है, विम एडिटर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इमेजेस में वाई टेक्स्ट एडिटर और विम कहलाते हैं वाई इम्प्रूव्ड। बेसिकली वाई होता है विजुअल का शॉर्ट फॉर्म, विजुअल टेक्स्ट एडिटर। स्टार्ट्स इन कमांड मोड, कमांड मोड में स्टार्ट होता है और ऑपरेट इन कमांड मोड एंड टेक्स्ट मोड। दो मोड में बेसिकली हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि कमांड मोड और टेक्स्ट मोड कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द वाई एडिटर इज कॉल्ड द विम, यानी कि वाई इम्प्रूव्ड। इसका डेवलपमेंट ब्रैम मोलेनर ने किया था। लेटेस्ट वर्जन इज वर्जन 7.4.629 और यह एक ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। जब आप इसे स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत से शॉर्टकट्स यहाँ से आपको मिलेंगे, जैसे क्यू एंटर करेंगे तो एग्जिट के लिए, हेल्प के लिए हेल्प एंटर इस तरीके से, ऑनलाइन हेल्प, वर्जन इंफॉर्मेशन के लिए आप हेल्प वर्जन नंबर लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपको वर्जन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं जो मैं डिटेल में अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं वाई टेक्स्ट एडिटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट करने के लिए वाई फाइल नेम लिखते हैं, इसे हम साइड बाय साइड देखते हैं प्रैक्टिकली करके। यहां से मैं CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रही हूँ लिनक्स पर। CentOS में टर्मिनल ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट है। वाई एडिटर को लॉन्च करने के लिए आप सिंपली वाई लिखेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि वाई का वर्जन इसमें इंस्टॉल है, कौन सा वर्जन अवेलेबल है। तो उसके लिए कमांड होती है वाई हाइफन हाइफन वर्जन। आप देख सकते हैं यहाँ से वाई इम्प्रूव्ड विम 7.4 वर्जन इज अवेलेबल। उसके बाद अगर आपको वाई एडिटर को लॉन्च करना है, ओपन करना है, तो आप ऑलरेडी अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो आप एलएस कमांड से चेक कर सकते हैं। एलएस कमांड से आप क्या चेक करेंगे कि आपके जो की जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वहाँ कौन कौन सी फाइल है। जैसे हम माई फाइल और माई फाइल टू लास्ट लेक्चर में मैंने क्रिएट की थी, यहाँ से आप देख सकते हैं अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप डायरेक्टली वाई के आगे फाइल नेम मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे अभी वाई या विम एंड न्यू फाइल, न्यू फाइल हमारा फाइल नेम है एंड एंटर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से वाई एडिटर ओपन हो चुका है और एक न्यू फाइल जिसका नाम न्यू फाइल है वो ओपन हो गई है, क्रिएट हो गई है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ से आप अगर ट्राई करेंगे तो आप कुछ भी यहाँ से इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको इंसर्ट करने के लिए आई प्रेस करना होता है। जैसे ही मैंने आई प्रेस किया तो हम इंसर्ट मोड में आ गए हैं। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ से इंसर्ट लिखा हुआ आ रहा है एंड इसके बाद आप कुछ भी इसमें टाइप कर सकते हैं। वेलकम टू माय क्लास। तो बेसिकली वाई फाइल नेम लिखने से क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ़ इट ऑलरेडी डज नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज ओपन्स एन एग्जिस्टिंग फाइल।
वाई हाइफन आर ऑप्शन है। अगर आप फाइल नेम से पहले हाइफन आर देंगे तो ये ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन द रीड ऑनली मोड। आर का मतलब होता है ऑप्शन के रीड ऑनली मोड, उसमें आप कुछ राइट नहीं कर पाएंगे। व्यू कमांड देंगे तो व्यू फाइल नेम ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन द रीड ऑनली मोड। अगर आप व्यू कमांड देंगे तो भी सेम फाइल को आप रीड ऑनली मोड में ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड्स। तो वाई एडिटर में बेसिकली आप डिफरेंट मोड्स में वर्क करता है। एक कमांड मोड होता है, सेकंड फिर आपका इंसर्ट मोड एंड थर्ड फिर आपका एस्केप मोड। तो वाई ऑलवेज स्टार्ट्स इन द कमांड मोड। जब भी स्टार्ट होता है तो वो कमांड मोड में स्टार्ट होता है। टू एंटर टेक्स्ट यू मस्ट बी इन द इंसर्ट मोड फॉर विच सिंपली टाइप आई। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, आपने देखा कि आई प्रेस करने से इंसर्ट मोड में हम चले जा सकते हैं, और उस इंसर्ट मोड में जाने के बाद आपको जो भी एंटर करना है, राइट करना है, वो आप टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। टू कम आउट ऑफ द इंसर्ट मोड प्रेस द एस्केप की। इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए आप एस्केप की प्रेस करेंगे विच विल टेक यू बैक टू द कमांड मोड, जो कि वापस आपको कमांड मोड में ले जाते हैं। तो कमांड मोड बेसिकली क्या होता है, दिस मोड इनेबल्स यू टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज सेविंग द फाइल, एग्जीक्यूटिंग द कमांड्स, मूविंग द कर्सर, कटिंग पेस्टिंग द लाइन्स और वर्ड्स, एज वेल एज फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग। ये सभी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे फाइल को सेव करना है, एग्जीक्यूट करना है कमांड्स को, मूव करना है कर्सर को, कट पेस्ट कॉपी, ये सभी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आप कमांड लिखते हैं जो कि कमांड मोड के अंतर्गत आती हैं। इन दिस मोड वट एवर यू टाइप इज इंटरप्रेटेड एज अ कमांड। जो भी आप इस मोड में टाइप करते हैं वो कमांड कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंसर्ट मोड। दिस मोड इनेबल्स यू टू इंसर्ट टेक्स्ट इनटू द फाइल। आपको आप जैसे कि देख चुके हैं, इस मोड में आप टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं फाइल में, राइट करते हैं। एवरीथिंग दैट इज टाइप्ड इन दिस मोड इज इंटरप्रेटेड एज इनपुट एंड प्लेस्ड इन द फाइल। इस मोड में आप जो भी लिखेंगे वो फाइल में राइट हो जाएगा और उसको एज ए इनपुट लिया जाता है। तो इस इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको आई प्रेस करना होता है। इंसर्ट मोड से क्विट करने के लिए आप क्यू प्रेस करते हैं। क्यू एंड एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आप प्रेस करेंगे तो दिस इज द कमांड टू क्विट आउट ऑफ वाई विदाउट सेविंग। विदाउट सेविंग बिना सेव किए एग्जिट करने के लिए सिंपली आप क्यू एंड एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करें, और अगर आपको सेव करना है तो आप डब्ल्यू क्यू विद एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करेंगे। डब्ल्यू का मतलब यहाँ से राइट, राइट एंड क्विट। ये है हमारा इंसर्ट मोड। इसके बाद थर्ड मोड कहलाता है आपका एस्केप मोड और लास्ट लाइन मोड। लाइन मोड इज इन्वोक्ड बाय टाइपिंग अ कॉलन। आप कॉलन जैसे ही लिखते हैं तो वह लाइन मोड या एस्केप मोड में सिस्टम आ जाता है वाई रीडर। व्हाइल वाई इज इन कमांड मोड, कमांड मोड के अंदर जैसे ही आप कॉलन लिखेंगे तो यह एस्केप मोड कहलाता है। द कर्सर विल जंप टू द लास्ट लाइन ऑफ द स्क्रीन एंड वाई विल वेट फॉर ए कमांड। तो कॉलन प्रेस करते ही कर्सर लास्ट लाइन पे स्क्रीन के जंप कर जाता है और वो कमांड की वेट करता है। दिस मोड इनेबल्स यू टू परफॉर्म टास्क सच एज सेविंग फाइल्स एंड एग्जीक्यूटिंग कमांड्स। यहाँ से आप फाइल्स को सेव कर सकते हैं एंड कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे ये सब। तो यहाँ से अभी तक आपने देखा कि आपने वाई एडिटर को ओपन किया, विम एडिटर को, देन उसके बाद आई प्रेस किया। तो आई प्रेस करने के बाद हम इंसर्ट मोड में आ चुके हैं। इसके बाद आप कुछ जो आपको जो भी लिखना है वो आप इसमें लिख सकते हैं। एंड इसमें लिखने के बाद आपको सपोज इस यहाँ से क्विट करना है, इंसर्ट मोड से बाहर निकलना है, कमांड मोड पे जाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एस्केप प्रेस करेंगे। एस्केप प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं आपका कर्सर नहीं चला गया है और आप यहाँ से कुछ भी राइट नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे लेकिन ये वो राइट नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कमांड मोड में आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉलन। तो कॉलन प्रेस करते ही आप यहाँ से कमांड मोड में से कमांड मोड से आप एस्केप मोड में आ चुके हैं। ठीक है, कमांड मोड में अब यहाँ से आप क्यू प्रेस करेंगे, अगर सिंपली क्यू एक्सक्लेमेशन, तो आप क्विट कर जाएंगे विदाउट सेविंग फाइल्स।
फाइल को सेव किए बिना आप यहाँ से क्विट कर जाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ सेव करना चाहते हैं तो डब्ल्यू क्यू एंड एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर। इस तरीके से आपकी ने जो वन लाइन लिखी है वो न्यू फाइल में सेव हो चुकी है। आप दोबारा से इसको एक्सेस कर सकते हैं, दोबारा से एक्सेस सेम फाइल को आप एरो से जो भी आपने कमांड टाइप की है उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोबारा से आपने एरो से आपने वेम न्यू फाइल कमांड पर आए और एंटर किया। आप देख सकते हैं यहाँ से वेलकम टू माई क्लास जो लाइन हमने लिखी है वो सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से ये बेसिक ऑपरेशन है वाई एडिटर को करने के लिए, कैसे आप इसे ओपन करेंगे, फिर किस तरीके से आप एक मोड से दूसरे मोड में स्विच करेंगे, क्विट करेंगे, राइट करेंगे, बहुत ही यूजफुल एडिटर होता है वाई एडिटर। नेक्स्ट हम देखते हैं मूविंग विद इन ए फाइल। अभी आपने एक फाइल ओपन की है, उसके अंदर राइट किया है, सपोज आपके पास एक लॉन्ग फाइल है, आपको उसके अंदर मूव करना है, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट कमांड्स होती हैं, जैसे कि के यूज़ करने से मूव्स द कर्सर अप वन लाइन, जे यूज़ करने से मूव्स द कर्सर डाउन वन लाइन, एच मूव्स द कर्सर टू द लेफ्ट वन कैरेक्टर पोजिशन एंड एल मूव्स द कर्सर टू द राइट वन पोजिशन। सिमिलरली कॉपीज द करंट लाइन, करंट लाइन को कॉपी करने के लिए आप डबल वाई प्रेस कर सकते हैं। कॉपीज द करंट वर्ड फ्रॉम द कैरेक्टर द लोअर केस डब्ल्यू कर्सर इज ऑन, आपको करंट वर्ड को अगर आपको कॉपी करना है कैरेक्टर की तो आप वाई के साथ डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वर्ड अंटिल द एंड ऑफ द वर्ड, जब तक कि वर्ड लास्ट होता है पूरा वर्ड को कंप्लीट सेलेक्ट करके। स्मॉल पी आप यूज़ कर सकते हैं पुट्स द कॉपी टेक्स्ट आफ्टर द कर्सर, कर्सर के बाद अगर आपको कॉपी करना है टेक्स्ट को तो स्मॉल पी एंड कैपिटल पी से पुट्स द यंग टेक्स्ट बिफोर द कर्सर, अगर आपको कर्सर से पहले पेस्ट करना है कॉपी करना है तो आप कैपिटल पी यूज करते हैं। देखते हैं हम ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले इंसर्ट मोड में जाएंगे, आई प्रेस किया, सपोज पहले हम इसमें तीन चार लाइंस ऐड कर लेते हैं। ये हमने इसमें फाइव लाइंस राइट कर की हैं। इसके बाद अगर हमें कर्सर को वन लाइन मूव करना है तो हम के प्रेस करेंगे। के प्रेस करने के लिए पहले हम इंसर्ट मोड से बाहर आएंगे, देन के प्रेस करेंगे। तो देखिए के प्रेस करने से जितनी बार मैं के प्रेस कर रही हूँ कर्सर वन लाइन मूव कर रहा है। अब कर्सर को डाउन मूव करने के लिए आप जे प्रेस करेंगे, जे प्रेस करने से कर्सर नीचे की तरफ मूव करता है, एच प्रेस करने से कर्सर लेफ्ट की तरफ मूव करता है एंड एल प्रेस करने से कर्सर राइट की तरफ मूव करता है। नाउ इफ यू प्रेस डबल वाई copies the current line, then p press karne se simply small p press karne se yahan se paste ho chuka hai copy text after cursor aur suppose yahan se hamara cursor hai। जब शिफ्ट कैपिटल पी प्रेस करते हैं तो कर्सर से पहले यहाँ से पेस्ट हो चुका है। इस तरीके से पेस्ट किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है लाइन को।
Thank you so much for watching. Keep watching my next video on eMACH tax rate.